महाशिवरात्रि के ठीक 2 दिन पहले देवघर में बाबा मंदिर और पार्वती मंदिर के शीर्ष पर स्थित पंचशूल को विधिवत उतारा गया। पंचशूल के शीर्ष पर से उतरने के बाद महाशिवरात्रि से पूर्व कोई भी भक्त गठबंधन नहीं कर सकते हैं। ऐसी परंपरा रही है कि माता पार्वती और महादेव के गुंबदों पर लगे दोनों पंचशूलों को उतारने के बाद पहले आपस में मिलाया जाता है, इसके बाद इसकी पूजा अर्चना की जाती है। उस वक्त दोनों पंचशूलों को एक साथ रखा जाता है। यह अलौकिक दृश्य सिर्फ बैद्यनाथ धाम मंदिर में ही देखने को मिलता है। भक्तों की इच्छा होती है कि वह एक बार इन पंचशूलों का दर्शन कर ले, इसलिए इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ती है। इसलिए उस वक्त जिले के DM और SP के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 12 के लिए हम लोगों ने जो NDRF का टीम जो है वो फुल्ली अलर्ट और डिप्लॉयड रहेगी, ताकि किसी तरह का भी घटना को वो लोग कंट्रोल में ले सके। श्रद्धालुओं से यह अपील और आशा भी कि उसको बनाए रखेंगे, सभी लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए पुलिस की पूरी तैयारी है और पूरी तत्परता से काम कर रही है। मंदिर के शिखर पर लगे पवित्र पंचशूल को शिवरात्रि से एक दिन पहले पुनः शीर्ष पर स्थापित किया जाता है। इससे पहले मंदिर कार्यालय में प्रधान पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र पंचशूल के दर्शन मात्र से ही रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। ये पंचशूल का वार्षिक पूजा के लिए उसको उतारा जाता है, साल में एक बार साफ करके विधिवत उसका सरसोपचार पूजन करके पुनः स्थापित किया जाता है। रात्रि से एक दिन पहले जो प्रदोष होता है उसी दिन। कहते हैं देवों के देव महादेव अगर आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपको किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती है। इसे यूं कहे कि बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, और जब बात शिवरात्रि की हो तो देवघर में मनोकामना को पूर्ण करने के लिए ही भक्तों का भारी हुजूम उमड़ता है। देवघर से कैमरा पर्सन विकास के साथ गुड्डू झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।